आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद अब कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने भी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भूरिया ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा पर तंज कसते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। यूं तो चुनाव के समय नेताओं की जुबान फिसलना और दूसरी पार्टी के प्रत्याशी पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उपचुनाव के दौरान नेताओं की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसल रही है। चाहे मंत्री हो या फिर पूर्व मंत्री और नेता, हर कोई जुबान के तीर से विपक्ष को घायल करने पर लगा हुआ है। और अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है और वो है कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया, जिन्होंने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र की एक सभा में बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कासडेकर पर तंज कसते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। और 35 करोड़ में बिक गए, आदिवासी कभी बिकता नहीं, पर वो हमारे आदिवासी का नाक काटा, उसने काटा ही नहीं, काटा आदिवासी को नाक काटा उसने, 35 करोड़ में जाके बिक गई। अब ससुर को भी छोड़ दिया उसने, अब उसको पति को नहीं छोड़ दिया, बड़ा ध्यान रखना पड़ बाबा रखने का, हाँ उसको घर से निकलेंगे, अपने पति को कड़क कर देने का, हाँ इधर जाने तो कोई भरोसा नहीं, भाजपा कहते राम नाम जपना पर्यावरण हमारा बोले तो कही है। इतना ही नहीं, कांतिलाल भूरिया ने एक एक वोट कितने में बिका इसकी कीमत तक बता डाली। आपका वोट सुमित्रा कासडेकर जी ने बेच खाया है, एक एक वोट दो दो ढाई तीन तीन हजार रूपए बेचा उसने, एक एक वोट आपका, वोट आपने दिया वो मालिक बन गए, वो सौदा कर रही बेंगलोर में जाके मुंबई में जाके, अरे मतदाता को जाके पूछना तो था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। सभा के दौरान कांतिलाल भूरिया ने मंच पर लोगों के साथ ताल से ताल भी मिलाई और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। बुरहानपुर से रविंद्र के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।